हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कंगना रनौत की धाकड़ मूवी की पूरी इनकम के बारे में कि ये फिल्म 8 दिनों में कितना कमा चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं। और अगर आप इनकी 8वें दिन की कमाई सुनोगे तो जानकर हैरान हो जाओगे या फिर हंसने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, 8वें दिन में इतनी कम कमाई हुई है। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि पहले दिन से लेकर इनकी कमाई कितनी हुई है। ओपनिंग डे पर कंगना की फिल्म ने 1.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। शनिवार को मूवी ने 1.5 करोड़ कमाए। उम्मीद की जा रही थी कि वीकेंड पर फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन रविवार को फिल्म का कलेक्शन और भी नीचे गिर गया। छुट्टी के दिन फिल्म 98 लाख की कमाई करके ही सिमट गई। तो दोस्तों, आपको पता है कि कंगना की फिल्म 2200 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म का कोई फायदा नहीं हुआ। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के बुरे हाल को देखते हुए इसे स्क्रीन से हटाकर कार्तिक और कियारा की भूल भुलैया 2 को जगह दे दी गई है। कंगना ने फिल्म को प्रमोट करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। अब बात कर लेते हैं कंगना रनौत के साथ इतना बुरा होने की आखिरकार वजह क्या है। कल रिलीज के 8वें दिन धाकड़ मूवी के पूरे देश में कुल 20 टिकट बिके। जी हाँ दोस्तों, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इससे कंगना रनौत की इस फिल्म की 4420 रुपए की कमाई हुई है। म्यूजिक रनौत बीजेपी की आघोषित ब्रांड एम्बेसडर है और अकेले बीजेपी के ही 5 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता है। अगर उसके हिसाब से 10% लोग भी इस फिल्म को देख लेते तो कंगना का सम्मान बचा रहता। तो क्या कंगना रनौत को बीजेपी ने भी यूज करके थ्रो कर दिया है? तो दोस्तों, बीजेपी ने भी कंगना रनौत की फिल्म को नहीं देखा है। कंगना ने फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। लोगों को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस का हाल देखकर तो सबकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।